चलता है क्या ये चिकने? चलता है क्या? हाँ चलना, बहुत मजा दूंगी। हाँ अरे सुन ना, ए सुन ना, सुन सुन ना, वैशाली तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बस आ ही रहा हूँ। कहाँ हो तुम? मुझे डर लग रहा है। सब ठीक हो जाएगा जयेश, अरुण की हालत बिगड़ती जा रही है, तुम जल्दी आओ। कुछ नहीं होगा हमारे अरुण को। शांतनु कह रहा था कि सुबह से पहले किडनी ना बदली गई तो कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं होने दूंगा मैं अपने अरुण को। गणपति पापा है ना हमारे साथ? जयेश मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ गलत हुआ तो। इस तरह की बातें करके तुम अपने साथ साथ मेरा मनोबल भी गिरा रही हो। हमारे अरुण को कुछ नहीं होगा। इंतजाम कर लिया ना? डोनर कौन है? वो कब तक आएगा? देखो उससे बोलो हमारे पास समय नहीं है, मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। मैं आकर सब बताता हूँ, चिंता मत करो, अरुण को कुछ नहीं होगा। आपने बात का जवाब नहीं दिया, डोनर मिल गया ना? हाँ डोनर मेरे साथ ही है, बस मैं आ ही रहा हूँ। शांतनु कहाँ है? उससे मेरी बात कराओ। वो यहाँ नहीं है, दूसरे पेशेंट्स को देख रहा होगा। ठीक है जैसे ही आता है मेरी बात कराओ उससे। ठीक है पर आप भी जल्दी आओ। हाँ मैं आ ही रहा हूँ, घबराओ मत। साहब, ओ साहब, उठो साहब। कौन है? मैं हूँ साहब, ये रास्ता खोल देंगे। टाइम क्या हो रहा है? 8:30। भाई 6 बजे के बाद इधर से नो एंट्री है। साहब मेरा बच्चा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, मुझे जल्दी पहुंचना है, प्लीज ये रास्ता खोल दीजिए। जाने दीजिए ना साहब, मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है। जंगल का रास्ता है, हाईवे से होकर निकल जाओ। हाईवे से तो बहुत टाइम लग जाएगा, मेरा बेटा वहां जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। भाई साहब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप हाईवे से चले जाओ। आपके भी तो बच्चे होंगे। आगे वाले बैरियर पे कुछ भी करना, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरी नौकरी का सवाल है। ठीक है चलो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जीजा जी, कहाँ हो आप? अरुण की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मैं आकर भी क्या कर सकता हूँ? क्या मतलब है आपका? शांतनु सब खत्म होने वाला है। सब
तुम्हारी दीदी से झूठ बोला है मैंने, और करता भी क्या। मतलब क्या है आपका जीजा जी, सही सही बताइए, क्या आपको अभी तक कोई डोनर नहीं मिला? नहीं, कोई अपनी किडनी देने को तैयार नहीं है। तब तो कुछ नहीं कर सकते। मैं कैसा अभागा बाप हूँ। डोने से कुछ नहीं होगा जीजा जी, अगर आप हिम्मत हारोगे तो दीदी को कौन संभालेगा? देर बहुत हो चुकी है जीजा जी, अब क्या हो सकता है? तुम तो कुछ कर ही सकते हो। मैं? इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हो। मैं क्या कर सकता हूँ? कोई कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है। ठीक है, पापा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, पर तुम अपनी दीदी से कुछ मत कहना। ठीक है। कौन है? मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, भगवान के लिए मुझे बचा लो। मैं बहुत देर से यहाँ पड़ा हूँ, मेरे पैरों से लगातार खून बह रहा है। क्या सोच रहे हो, अगर ऐसे ही मेरे पैरों से खून बहता रहा तो मर जाऊंगा। भगवान के लिए मुझे बचा लो। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा बेटा हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रहा है, मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना है, मुझे माफ करो। तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? भगवान के लिए मुझे बचा लो। तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? मैं जानता था तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम जरूर आओगे। तुम्हें पता है तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? हाँ, ओ नेगेटिव। क्यों? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर एक शर्त पर। शर्त? हाँ, तुम्हें मेरे बेटे को एक किडनी देनी होगी। किडनी? देखो, तुम जल्दी तय कर लो, तुम्हें यहाँ पड़े पड़े जान देनी है या एक किडनी के साथ अपना जीवन बिताना है। हाँ पर देखो, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। ठीक है, मैं तैयार हूँ। फोन उठाओ शांतनु। हाँ शांतनु, हमें डोनर मिल गया। थैंक गॉड। ब्लड ग्रुप क्या है? ओ नेगेटिव ही है। ठीक है, उसे जल्दी से लेकर आइए, हमें बाकी के चेकअप भी करने होंगे। हाँ हाँ, तुम तैयारी कर लो, तुम ट्रांसप्लांट की तैयारी कर लो, मैं बस आया। बाहर आओ। क्या हुआ? तुम जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? देखो आगे बैरे नंबर 6 है, तुम्हें इस हालत में होमगार्ड देखेगा तो पूछताछ करेगा, इतना समय मेरे पास नहीं है। जाओ अंदर।
हाँ भाई, कहाँ से आ रहा? इतनी रात में तुझे इधर से किसने आड़ दिया? जी मैं तो शाम से ही फंसा हुआ हूँ, मेरी गाड़ी खराब थी। ताऊ बाहर तो आ जा, बात भी कर लेंगे। महारा जी जी गाड़ी के कागज है? जी 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 है, दिखाओ। नहीं नहीं ठहर, मैं आता हूँ। हाथ ऊपर कर। क्या हुआ साहब? डिग्गी में क्या है? कुछ नहीं साहब। डिग्गी खोल। जाने दीजिए साहब मेरा। अरे अपनी बकवास बंद कर, डिग्गी खोल, डिग्गी खोल। अरे कुछ नहीं है साहब। अरे बकवास बंद कर, डिग्गी खोल। जाने दीजिए साहब, खोल डिग्गी। Thank you.